किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं। कौन हो तुम? अरे बोलते क्यों नहीं? तुम कौन हो? कहाँ हो तुम? मुसलमान तुम कौन हो? कौन हो तुम बताओ पहले, तुम कौन हो? जानते नहीं कर्फ्यू लगा है, देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। कहां जा रहे थे? कहीं आग लगाने या बम फेंकने? तुम यहाँ क्यों छुप के बैठे हो? किसी का खून किया है या करने के लिए छुपे हो? बताया नहीं तुमने, कौन हो तुम? हिंदू के मुसलमान? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो हिंदू लगते हो। वो कैसे? ऐसे ही। तुम मुसलमान हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो क्या?
क्या शक्ल से क्या लगता हूं? शक्ल से तो कुछ भी नहीं लगते हो। नाम क्या है तुम्हारा? शक्ल से बेवकूफ लगता हूं क्या? नाम बता दूंगा तो पता नहीं चल जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब। गुलाब? गुलाब? गुलाब मोहम्मद के गुलाब चंद? भाग रहे हो? कर्फ्यू दो दिन और नहीं हटा तो क्या होगा? तुम कब से पड़े हो यहां? 7-8 घंटे से। वहां मेरे सामने एक आदमी को गोली लगी। कहां? वो नुक्कड़ पर। ये देखो, खंभे पर अभी भी खून लगा है। यहां आकर गिरा वो और कुत्ते की तरह घसीट कर लगे वो बंदोबस्त वाले। लेकिन क्या किया था उसने? कुछ नहीं, कर्फ्यू में भाग रहा था। हाथ में कुछ था, लोहे का औजार जैसा। अरे मजदूर होगा कोई। पता नहीं मजदूर था कि गुंडा, लेकिन मजदूर गुंडे में फर्क ही पता नहीं चलता है। वही मिल के मजदूर थे अपने, वही गुंडे निकले। कुछ मार रहे थे, कुछ बचा रहे थे। बीड़ी पीता है? हाँ पीएगा? ला। सभी माचिस भी पीक गई। लेकिन धुआं निकलेगा तो? धुआं मत निकालियो, धीरे धीरे छोड़ना। मुझे तो मैं ट्राई करता हूं। सुभान अल्लाह, मुसलमान है तू? पागल है तू? इस वक्त जान पर पड़ी है, तुझे मारकर क्या मिल जाएगा मुझे, और मुझे मारकर क्या मिलेगा तुझे? लोग इसी खौफ से मार देते हैं एक दूसरे को।
इस पोटली में क्या है? कोई हथियार हथियार नहीं है, कपड़े और खिलौने हैं बच्चों के। यही लेने शहर आया था और फंस गया। एक हिंदू दोस्त है अपना, उसी के घर पर ठहरा था। आज शाम को पता चला कि शहर की हवा ठीक है, रेडियो बोल रहा था। निकला तो फिर दंगे शुरू हो गए। मैं भी रहमान के घर में था, दोस्त है, लेकिन वो भी क्या करता। वो लोग पहुंच गए उसके घर पे, उसके घर को आग लगा दी, उसके दोनों हाथ जल गए मुझे बचाने में। चलता हुआ दरवाजा पकड़ के खड़ा रहा जब तक कि मैं पीछे से बाहर नहीं निकल गया। वो इतना अच्छा कारीगर यार, अभी मशीन पे खड़ा होगा तो क्या होगा उसका? वो मिल मालिक उसको रखेगा थोड़ी, उसको निकाल देगा। वो मिल मालिक भी तो मैं भी आमतौर पर घाटी पर नाव से सामान उतार कर थोड़ा बहुत बाजार करके लौट जाया करता हूं, लेकिन इस बार इधर आ गया। बड़ी बस्ती के बाजार में बच्चों के लिए कपड़े खरीदने थे। वो कल ईद है ना, मेरा बहनोई यही काम करता है फैक्ट्री में। बहन को एडवांस में ईदी दी और बहनोई को साथ ले लिया, बाजार चले गए। सामान खरीद रहे थे कि अचानक लोग भागने दौड़ने लगे। मार दिया का कोहराम मच गया। एक तरफ हर हर महादेव और दूसरी तरफ अल्लाहु अकबर की आवाज कान में पड़ी। मैं समझ गया, वही सलीब हिंदू मुसलमान की मार काट लगी है। जाएंगे 10-20 तो जाएंगे। मैं कोखला कर एक तरफ गिर पड़ा। बहन वही कहां है पता नहीं। फिर उसे ढूंढने लगा, फिर वो दुकान के तख्ते तले पड़ा मिला। पलटा तो सब खून ही खून, किसी ने छुरा घोंप दिया था पेट में। अब बताओ, किसी ने देखा होगा, पूछा होगा तुम हिंदू हो मुसलमान हो? बस किसी ने भी छुरा घोंप दिया। उसे घसीट कर बाहर निकाला, कंधे पर लिया और पास की गली में भागने लगा। वो तो भला हो पारो का, वो भी भाग रही थी। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा, अपने घर के अंदर खींच लिया। उसने पहचान लिया था मुझे, हमारे गांव की थी। उसका मियां केस्टो मेरा दोस्त है। तेरे बहनों का क्या हुआ? वही है, बच गया। मैंने पारो को बोल दिया था कि मेरी बहन को खबर पहुंचा दे। गोली चली गई? हाँ। फिर चली? लगता फिर से छिड़ गई, मारकाट लग गई फिर से। अरे रुकी कब थी? रेडियो तो हमें ही बोलता रहता है, स्थिति सब नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। मेरा ख्याल है हमें यहां से निकल जाना चाहिए, नहीं तो यहीं के यहीं मारे जाएंगे इसी डिब्बे में। चल चल। देखो यार, मुझे किसी तरह बूढ़ी गंगा तक पहुंचना है। मैं माझी हूं, मेरी किश्ती खड़ी है बादामतला घाट पर, इसलिए मैं केस्टो के घर से निकल आया। भाभी ने तो रोकने की बहुत कोशिश की थी, केस्टो की बीवी ने। लेकिन कल ईद है, घर पर बीवी बच्चे फिक्र में घुल रहे होंगे। खबर तो उसने भी सुनी होगी,
कोई भरोसा नहीं वो पट्टी किश्ती लेकर शहर पहुंच जाए। माँ जी की बेटी है आखिर, बहुत तूफान झेले हैं उसने। तुझे जाना कौन से गांव है? सुबड़ा, बूढ़ी गंगा के पार। तू कहाँ का है? मैं चाशड़ा का हूं, लेकिन यहां से निकलेंगे तो जाएंगे कहां? यहां से तो निकलो, यहां तो जिसने भी देखा शक करेगा, और हवलदार ने देख लिया तो बेमौत मारे जाएंगे। चल। देखिए लगी है। अरे पता नहीं कहां से आ रहा है, साफ है? ठंडा तो है। रहने दे रहने दे, चल 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 चल, निकल निकल निकल। बगल भी वो गल। ए, क्या हुआ? इधर आ। क्या है? देख, लाश। किसकी? किसी हिंदू की है। तुझे कैसे मालूम? नहीं लग रहा है। लग तो तुझे मैं भी हिंदू ही रहा था। चल चल, लेकिन इसको क्या करें? लाश को छोड़, जिंदों की सोच। चल चल जल्दी चल। कैसे यार, इंसान था वो जीता जागता, कबाड़ी के सामान की तरह फेंक दिया, खाली कर दिया। ऐसे ही होता है भाई, खाली हो जाते हैं, या तो चूल्हे में डाल देते हैं या गड्ढे में फेंक कर मिट्टी डाल देते हैं। चल चल, तू चल। आस्था, बादामतला घाट पर पहुंचती है और मुझे वहीं पहुंचना है। और मैं क्या करूंगा बादामतला घाट में? तो ठीक है, तो तू यहीं रुक, मैं निकल जाता हूं। मत कर, सरा से भी खोपड़ी दिखेगी तो गोली से उड़ा देंगे। जाएगी तो क्या छोड़ देंगे? भाई मैं तो अल्लाह का नाम लेकर
निकल चलता हूँ। मुझे घाट यहां से बिल्कुल करीब है, मुझे सुबह होने से पहले घर जरूर पहुंचना है। क्या है? नहीं है, नहीं है। गुलाबचंद, मैं निकल लेता हूं, ठीक है? अच्छा, मेरा नाम गुलाबचंद नहीं है, मेरा नाम अवतार है, मैंने झूठ बोला था। और मेरा करीम, चलते हैं, अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देख के जाना भाई, तू याद रहेगा यार, तू भी।